गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरभि। आज मैं अपना एक फर्टिलाइज़र अप्लाई करने जा रही थी, लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो इस लॉकडाउन में मैंने वही यूज किया और कभी भी मेरे फ्लावर्स में ब्लूमिंग की कमी नहीं आई और फ्लावर्स मेरे ब्लूम होते रहे। और देखिए, कलियों से तो ये मेरा मोगरा भरा हुआ है और मैंने पूरे लॉकडाउन में यही फर्टिलाइज़र का यूज किया, चाहे मोगरा हो या रोज हो, चाहे मेरा हिबिस्कस हो। देखिए, बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये और इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है। अपराजिता, ब्लू पी बोलते हैं। तो आइए मैं दिखाऊं मैं कौन सा फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये मेरा कुछ किचन से निकला हुआ किचन वेस्ट है, जिसमें से ये ओनियन पील है और कुछ ये खीरा है और ये और बता दूँ ये केले के छिलके हैं, बनाना पील है और कुछ जो धनिया वगैरह, हरी धनिया वो पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं वो भी हैं। तो मैं दिखा दूँ, देखिए ये जो डंडियाँ ख़राब हो जाती हैं वो भी हैं। तो आपको पता ही है कि छिलकों में फास्फोरस, कैल्शियम, पोटास सारी चीज़ मिले हुए हैं। तो मैंने अपने इस फर्टिलाइज़र का नाम माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र रखा है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो मैं पूरे लॉकडाउन में यही फर्टिलाइज़र डाली हूँ। तो ये मेरा वो फर्टिलाइज़र है जिसमें दिखा दूँ, ये इसमें बनाना पील है और ये ओनियन पील है और कुछ ये चिल्ली भी ख़राब हो गए थे वो भी है और ये पोटैटो पील भी है और बहुत सारे जो भी मेरे किचन वेस्ट से निकले हैं वो सारे हैं और दो तीन दिन हो गए हैं। तो मैं इसमें कुछ ये 5 लीटर का ये बकेट है, इसमें पानी है, इसमें मिला के मैं सारे प्लांट में अप्लाई करूँगी। तो ये मैंने लॉकडाउन में यही फर्टिलाइज़र हमेशा यूज किया है लिक्विड फर्टिलाइज़र में, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो था नहीं, लेकिन मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। कभी भी आपने देखी मेरे फ्लावरिंग में ब्लूमिंग कमी नहीं आई और ढेरों अभी भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ कैसे मैं इसका अप्लाई करती हूँ। किचन वेस्ट हुआ, चाहे बनाना पील हुआ या ये ओनियन पील वगैरह हुआ, ये या नींबू के छिलके हुए, ये सारे आप एक पानी में, दो तीन गर्मी के दिन है तो दो दिन ही रख के आप इसको रख दीजिए और उसके बाद से इसको ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छी तरह से देखिए छान दीजिए और फिर इसमें मैं पानी मिला के फिर रख दूंगी, फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं यूज करूंगी। या तो आप 1 वीक में आप दो बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है तो इसे कोई ज़्यादा कम होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये पूरे मैंने लॉकडाउन में 1 मंथ उससे ज़्यादा हो गए मैं ये फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज किया। तो मैंने इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र रखा है, इसमें हर तरह की इसमें पोषक तत्व हैं जो प्लांट को चाहिए और मैंने इसका नेगेटिव इफेक्ट तो देखा नहीं है और अच्छा ही देखा है। तो आप भी ऐसे करके, एक तो किचन वेस्ट कम होगा घर का, कूड़े में भी बहुत कम जाएगा और इसका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा आएगा। तो सारे प्लांट में डाल दीजिए और मोगरा में देखिए, मोगरा में कितने सारे बर्ड्स आ रहे हैं। तो इसका बहुत अच्छा मैंने रिजल्ट देखा है और आप भी इसे करके देखिए और देखिए कितना सारे बर्ड्स आ रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है, नए नए पत्तियाँ, नए नए ब्लूम्स हुए हैं, जीरो पत्तियाँ आई हैं और ब्लूम्स में देखिए रोज में भी बहुत सारे ब्लूम्स आ रहे हैं। तो आप इसका यूज कीजिए और अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।